अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है फार्मिंग की एक नई टेक्निक के बारे में जिसका नाम है एक्वापोनिक्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्वापोनिक्स क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। एक्वापोनिक्स क्या होता है? एक्वापोनिक्स बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है। एक टर्म है एक्वाकल्चर और दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स। एक्वाकल्चर का मतलब ये होता है कि फिशेस को ग्रो करना ऑर्गेनिकली, और हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये है कि विदाउट सॉइल प्लांट को ग्रो करना, यानी कि पानी के अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की मदद से उसको ग्रो करना। ये मेथड यानी कि एक्वापोनिक्स बना है इन दोनों मेथड्स को मिलाकर, जो है एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स यानी कि एक्वापोनिक्स। इस एक्वापोनिक्स सिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं उनको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो फराहम करता है एक्वाकल्चर यानी कि फिशेस, और फिशेस को जो क्लीन वाटर चाहिए होता है वो क्लीन वाटर सप्लाई करता है प्लांट्स। तो ये बेसिकली एक पूरा सिस्टम बना होता है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक्वापोनिक्स के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा वो होता है जिसमें फिशेस ग्रो करती हैं। ये फिशेस जहाँ पर ग्रो करती हैं इनका जो वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया की शेप में, जो मज़ीद आगे जाता है बैक्टीरिया टैंक के अंदर। इस बैक्टीरिया टैंक में अमोनिया चेंज हो जाता है नाइट्रेट के अंदर, जो कि बैक्टीरिया करते हैं, और फिर वही पानी जो होता है वो चला जाता है ग्रोइंग बेड की तरफ यानी कि प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट्स उसको सोक कर लेते हैं और जो फ्रेश वाटर होता है वो वापसी चला जाता है फिशेस की तरफ। तो ये एक पूरा इसका बेसिक सा साइकिल होता है जो कि इसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है सिस्टम को, यानी कि प्लांट्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं फिशेस को जो उनको क्लीन वाटर दे रहे होते हैं, और फिशेस कॉम्प्लीमेंट करती हैं प्लांट को जो कि उनको नाइट्रेट्स देती हैं। इससे हमें क्या फ़वाद हासिल होते हैं जो कि बाकी टेक्निक से हासिल नहीं होते हैं? उसमें सबसे पहला है वाटर कंजर्वेशन। एक्वापोनिक सिस्टम क्योंकि अपने ही पानी के अंदर वो ग्रो करता है तो उसको एडिशनली बार बार पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो 90% मोर इफेक्टिव होता है वाटर के हवाले से। इसके साथ साथ लैंड कंजर्वेशन, क्योंकि इसको हम वर्टिकली ग्रो करते हैं तो इसकी वजह से ये 6% मोर इफेक्टिव है लैंड कंजर्वेशन के लिए। इसमें हमें कोई फर्टिलाइजिंग एड मज़ीद ऐड नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये इसको नाइट्रेट ऑलरेडी मिल रहा होता है फिशेस की तरफ से। और सबसे बढ़कर ये होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये सिस्टम इंडोर होता है, इसकी वजह से हमें इसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने पड़ते जिस तरह से हम यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड में। इसके साथ इसमें हमें कोई फर्टिलाइजिंग एड यूज़ नहीं करनी पड़ती। इस सारे मेथड की वजह से यानी कि पेस्टिसाइड ना यूज़ करने की वजह से जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है हम उससे बच जाते हैं। मज़ीद ये कि इसमें वाटर कंजर्वेशन होती है, इसमें लैंड कंजर्वेशन होती है, तो इस तरह से हम इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोर कंसिडर करते हैं ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। इसकी फर्स्ट इंस्टॉलेशन है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। नंबर टू ये है कि इसको 24 आवर्स इसमें सर्कुलेशन चाहिए होता है वाटर का, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होने की सूरत में या ज़्यादा देर उसमें फ्लो उसका रुक जाए तो उस सूरत में फिशेस की डेथ भी हो सकती है। अगर हम कंपैरिजन करें हाइड्रोपोनिक टेक्निक और एक्वापोनिक टेक्निक का, तो उसमें जो फ़र्क होगा वो ये है कि हाइड्रोपोनिक्स में हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है उसके न्यूट्रिएंट को ऐड करने के लिए, जबकि एक्वापोनिक्स में हमें किसी भी न्यूट्रिएंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें जो फिशेस की फीड होती है वो बहुत सस्ती होती है। नंबर टू, एक्वापोनिक्स में हमें पानी बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हाइड्रोपोनिक्स में जो पानी होता है वो सॉल्ट उसमें बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें हमें एक वक्त में जाकर पानी तब्दील करना पड़ता है। नंबर थ्री, हाइड्रोपोनिक्स में हमें फिशेस नहीं मिलती, जबकि एक्वापोनिक्स में प्लांट्स के साथ साथ फिशेस भी ग्रो कर रही होती हैं, जो कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। ये थी एक्वापोनिक्स की कुछ बुनियादी मालूमात। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम होममेड एक्वापोनिक सिस्टम बनाएंगे और उसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम घर पे अपने उस सिस्टम को इंस्टॉल करके उसमें अपनी पसंद की सब्जियां या मज़ीद चीज़ें उगा सकते हैं। एक्वापोनिक्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारी पाकिस्तान साइंस क्लब की वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं और उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं।